जर्जर मार्ग के चलते स्कूली बच्चों का धरना, शाला में बच्चे नहीं पढ़ रहे किताबें। जर्जर मार्ग के चलते बच्चे हो रहे परेशान, हाथों में चप्पल ले पहुंच रहे शाला। जिले के सुप्रसिद्ध क्षेत्र संत सिंगा जी की जन्म स्थली पर नौनिहालों का भविष्य अंधियारे में। बच्चे बरसात में भी डटे रहे धरना स्थल पर। स्कूल से 1 किलोमीटर दूर मार्ग पर दे रहे धरना। धरना स्थल पर शुरू की पढ़ाई। बड़वानी जिले के राजपुर जनपद के ग्राम खजूरी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं ने आज धरना प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें सभी बच्चे गिरती बरसात में भी धरना स्थल पर डटे रहे। बच्चों ने आज प्रण किया कि जब तक मार्ग नहीं तब तक शाला जाना नहीं। बच्चों ने बताया कि स्कूल का पहुँच मार्ग करीब 1 किलोमीटर का पूर्ण रूप से दलदल में तब्दील हो चुका है। साथ ही मार्ग के दोनों ओर लगी कंटीली झाड़ियों से बच्चे हो रहे जख्मी। शाला के छात्र छात्राओं ने बताया कि हम सब हाथों में चप्पल लेकर कीचड़ में गिरते पड़ते शाला पहुंच रहे हैं, जिससे काफी बार चोट आई है। शाला पहुंचने का एकमात्र मार्ग होने से मजबूरी में भविष्य की चिंता कर शाला पहुंच रहे। पुस्तकें और स्कूल बैग स्कूल में ही छोड़ जाने को हो रहे हैं मजबूर। कीचड़ भरे मार्ग से लगातार हो रहे परेशान, जिसके चलते बच्चों द्वारा चंदा इकट्ठा कर टेंट लगाकर स्कूल से कुछ दूरी पर धरना दिया जा रहा है। बच्चों का कहना है कि जब तक मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो जाता तब तक वे डटे रहेंगे। इसी मार्ग पर भले एक वर्ष स्कूल न जाए पर यहां से हटेंगे नहीं। साथ ही स्कूल पहुंच रहे बच्चों ने स्कूल में चपरासी न होने पर शिक्षकों के द्वारा स्कूल में चपरासी के कार्य भी हमारे द्वारा करवाने की बात कही है। ग्राम के सरपंच ने बताया कि स्कूल पहुंच मार्ग की हालत दयनीय है। सभी जन प्रतिनिधियों व अन्य को मामला जानकारी में है। आवेदन भी दिया गया पर मार्ग की सुनने वाला कोई नजर नहीं आता। वही करीब 8 से 10 वर्षों पूर्व स्कूल भवन का निर्माण तो हुआ पर मार्ग बनाना भूल गए। वही बच्चे भी मौके पर हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगाते नजर आए। इस क्षेत्र में पहली दफा ऐसा मामला सुनने को मिल रहा है कि शिक्षा ग्रहण करने को लेकर बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। आज आप शाला के समय में यहाँ पर खजूरी में टेंट लगाकर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, क्या मामला है? मैम, हमारे स्कूल का मामला है, जो हमारे स्कूल जाने में हमको दिक्कत होती है, नंगे पांव जाना पड़ता है और कीचड़ के कारण हमारी ड्रेसें भी खराब हो जाती है। कब से ये समस्या बनी हुई है? ये पहले से ही है, बहुत वर्षों से। जैसे कि हमारे पहले भाई बहन और जो भी आए ये निकल गए, हालांकि बल्कि हमारा जो अभी रास्ता है बहुत खराब होने के कारण ड्रेसें भी खराब हो जाती है। कौन सी क्लास की स्कूल है वहाँ पर लगती है? 9th और 10th। कितने बच्चे हैं? करीबन 70 से 80 बच्चे हैं दोनों क्लास। प्रतिदिन ये समस्या क्या आ रही है आपको? रोज निकलते हैं, जैसे कि अभी अक्टूबर के ये बारिश के जब भी बारिश होती है ना तब हमारा रास्ता खराब हो जाता है ये स्कूल का, तो उसमें हमें निकलने में दिक्कत होती है। कितने किलोमीटर का रास्ता है ये? करीबन 1 किलोमीटर का रास्ता। अभी तक आप लोगों ने क्या समस्याओं का सामना किया यहाँ पर? बहुत से बच्चे यहाँ पर गिर भी जाते हैं मैम निकलने में, और जैसे कि ड्रेसें भी खराब हो जाती है सभी को। मैं खजूरी में हूँ, हमारे स्कूल का नाम है शासकीय हाई स्कूल खजूरी में है। यहाँ पे मतलब ये रास्ता है जो स्कूल जाने में बहुत तकलीफ़ होती है हमको। यहाँ पे हमारा टाइम रहता है स्कूल का, हम टाइम पे पहुँच नहीं पाते हैं और रास्ते के कारण हमारी ड्रेसें भी ख़राब हो जाती है और चप्पलों को हाथ में लेके जाना पड़ता है। कई बार तो हम गिर भी जाते हैं, जिससे आसपास ये बबूल के कांटे हैं जिससे हमें लग भी जाती है और हमारा जीवन अंधकार में है। जब तक ये हमारा रास्ता ठीक नहीं होगा तब तक हम इसी धरना पे बैठेंगे। कितने दिनों का ये धरना है और क्या आप लोगों की मांगे? हमारी मांगे यह है कि जब तक ये रास्ता मतलब रास्ता इतना ही खराब है कि हम स्कूल जा भी नहीं पाते हैं और हमारी एग्जाम में भी अभी पास में आने वाली है, तो जिससे हम टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं, तो हमारी ड्रेसें खराब हो जाती है जिससे हमें सर डांटते भी है और कई बार तो हम स्कूल पहुँच भी नहीं पाते हैं। कितना कीचड़ रहता है और कितनी दूरी का रास्ता आप लोगों को तय? मैम 1 किलोमीटर का रास्ता है और हमें मतलब पूरे रास्ते में मतलब पूरा कीचड़ हो जाता है, गड्ढे है जिसके मतलब बारिश के समय पानी रहता, पानी पूरा भर जाता है गड्ढे उनमें, जिससे पूरी मिट्टी हो जाती है। मिट्टी चिकनी होने के कारण कई बच्चे खिसल के गिर जाते हैं यहाँ पे। सर, आपके ग्राम में एक बच्चे कुछ धरना देकर बैठे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ये क्या कहना चाहेंगे, किस वजह से ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं? ये जो
कच्चा रास्ता है स्कूल तक का, यह सब पूरा कीचड़ है, घुटने घुटने तक गड्ढों में पानी रहता है, तो बच्चे जाते हैं फिसल जाते हैं, गिर जाते, ड्रेसें खराब हो जाती है, स्कूल नहीं जा पाते हैं, और आए दिन परेशानी पड़ती है बबूल के कांटे वगैरह, ये साइट वाले भी है, और जो भी कीचड़ है वो कीचड़ का मेन रास्ता बन जाए, इसलिए धरना पे बैठे हैं बच्चे, स्कूल जाना नहीं चाहते हैं। क्या ये समस्या किसी को अभी जानकारी में नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि या कोई प्रशासनिक अधिकारी? सबको जानकारी में, पहले भी अवगत करवा चुके हैं हम, अभी सरपंच बनने के बाद अवगत करवाया था, अध्यक्ष महोदय भी आए थे, उनको भी लेटर वगैरह दिया था, सिंगा जी का मंदिर है, आशीर्वाद लेने आए थे वो जीतने के बाद, उनको भी अवगत करवा, अधिकारी भी आते हैं, उनको मेला पड़ता है तो सभी अधिकारी वर्ग मेले में भी आते हैं और सबको अवगत करवाया है। कितने समय से समस्या बनी? ये तो करीब जब से स्कूल बनी तब से समस्या है, करीब 5-7 साल हो गए, 7-8 साल हो गए। आज आप यहाँ धरना देके बैठे हैं, क्या है? हमारी स्कूल की सड़क खराब होने के कारण हम स्कूल नहीं पहुँच पाते, इसलिए हमने यहाँ पर टेंट लगा के हमारे पैसे से हमने ये चंदा इकट्ठा करके हमने धरना लगाया है, और हम जब तक ये सड़क नहीं बनती तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे स्कूल। कितने दिन आप धरना देंगे यहाँ के? प्रतिदिन आप स्कूल पहुँचेंगे? हाँ, प्रतिदिन तक यहीं बैठेंगे जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक। इससे आपकी शिक्षा का भी नुकसान होगा? ये तो जाते तब सब पूरा ये सब लग जाते हैं पाँव हाथों में, और इसलिए हम स्कूल नहीं जाएंगे। सर, माध्यमिक शिक्षक सर, आज स्कूल के समय पर स्कूलें पूरी खाली है और सारी कक्षाओं में स्कूल के बैग रखे हुए हैं, क्या बच्चे यहाँ पर नहीं आते? बच्चे आते हैं, लेकिन अभी रास्ते की वजह से ये रास्ता जो है कि बहुत खराब है, इस वजह से बच्चों ने आज स्ट्राइक रखा है, बच्चे आज स्कूल में नहीं आए। कितने बच्चे अध्ययनरत हैं? यहाँ पर 62 बच्चे हैं। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक? कक्षा 9 और 10 की। सर, कुछ बच्चों का यहाँ पर आरोप है कि यहाँ पर बच्चों से स्कूल के प्यून नहीं होने से पानी भी भरवाया जाता है, ग्राउंड की सफाई, स्कूल की सफाई व अन्य प्यून के सारे कार्य बच्चों से करवाए जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम यहाँ, लेकिन कुछ अभी प्यून नहीं है तो कुछ काम बच्चों से। आपकी शाला के सभी कक्षों के बोर्ड के पीछे कुछ बच्चों की स्लिप लगी हुई है, जिन बच्चों का नाम है उन बच्चों को उस दिन उस बार सफाई करनी होती है, पानी भरना होता है, या फिर ग्राउंड की सफाई हो या अन्य कोई कार्य जो प्यून के होते हैं। ये तो मेरे स्कूल की सुविधा के लिए ये रखा गया है, सभी का टर्न बनाया गया है बच्चों का ही। कितने बच्चों का टर्न है? इस वजह से बच्चे शाला भी पहुंचने में असमर्थ रहते हैं, कुछ बच्चों को ये स्वीकृत है और कुछ को नहीं। हाँ, कुछ बच्चे जिनको है स्वीकृत उनका ही टर्न में नाम लिखा हुआ है, जो स्वेच्छा से करना भी चाहते हैं, जिनको कोई आपत्ति नहीं है। कुछ बच्चों को आपत्ति है जिनके नाम उसमें लिखे हुए हैं, उन्होंने भी आपत्ति जाहिर की है आज। ठीक है, उनके नाम तो सर प्यून नहीं होना और स्कूल में बच्चों से इस तरह से काम करवाना, ये किस आधार पर करवाया जाता है? ये तो एक सुविधा है मैडम, ये सही, जैसे आप काम हम भी करते हैं, ये बच्चे नहीं होते हैं तो। आप लोगों के स्कूल में आज सभी स्कूलों में कक्षों में स्कूल के बैग पुस्तकें सब यहीं रखी हुई थी, क्या आप लोग स्कूल बैग घर नहीं ले जाते? नो मैम, नहीं ले जाते, यहाँ रास्ते खराब होने के कारण हम बुकों को यहीं रख जाते और घर चले जाते। घर पे आप पढ़ाई कैसे करते मैम? जो भी हमको काम के बुकें हैं वो तो घर ले जाते, और सारी बुक जो काम की नहीं है उनको यहीं पर रख जाते। और क्या समस्या है आप लोगों की? यहाँ पर स्कूल के गेटों के पीछे भी कुछ स्लिप लगी हुई थी, उसमें सबके अलग अलग नाम लगे हुए थे, किस चीज़ की स्लिप थी वो? मैम वो स्लिप इस चीज़ की थी, जो फ्यून नहीं होने के कारण झाड़ू लगाते हम और पानी भरते और कुछ भी काम होते वो करते। तो कब से कर रहे हैं आप लोग? मैम ये 15 से 20 रोज। क्या आप लोगों की सहमति है इसमें? कुछ बच्चों की है, कुछ बच्चों की नहीं है। क्या आप लोगों को अच्छा लगता है स्कूल में आकर झाड़ू लगाना और पानी भरना और अन्य प्यून के सारे काम करना? मैम अच्छा तो नहीं लगता, पर अब नए होने के कारण करना पड़ता है। किसके? डीजीआना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट, ठिकरी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट